नमस्ते एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं लेके आई हूँ ट्रैवल रिलेटेड आइटम्स जो यूजफुल एंड यूनिक तो है ही और काफी हद तक हमें ट्रैवल लाइट करने में हेल्प करेंगे। और ये आइटम्स मेन एंड वीमेन दोनों के लिए है, तो जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम है पासपोर्ट वॉलेट विद बोर्डिंग पास होल्डर एंड पेन होल्डर, या हम इसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट होल्डर भी बोल सकते हैं। ग्रे इन कलर है, वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक मटेरियल है, हैंडलूप भी है इजीली कैरी करने के लिए। होल्डर के दोनों साइड्स में स्लॉट्स दिए गए हैं। सबसे बॉटम में है जिपर पॉकेट, उसके ऊपर है तीन कार्ड स्लॉट्स एंड सबसे टॉप में डीप स्लॉट दिया गया है बोर्डिंग पास रखने के लिए। लेफ्ट साइड में है फोर कार्ड स्लॉट्स, देन साइड में है जिपर पॉकेट एंड सेंटर में है पेन होल्डर। ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो इसमें आराम से फिट हो जाते हैं। होल्डर कॉम्पैक्ट एंड काफी स्पेशियस है। फ्रंट में भी डीप स्लॉट दिया गया है बोर्डिंग पास रखने के लिए, जिसमें हमने फिलहाल मोबाइल रखा है। डॉक्यूमेंट्स कितने ऑर्गेनाइज वे में हम रख सकते हैं। सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक ही फोल्डर में हैं, तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं उन्हें सिक्योरिटी चेक करते समय। मुझे ना सनग्लासेस केस का कोई अल्टरनेटिव ढूंढना था, क्योंकि वो हैंडबैग में हो या ड्रॉअर में काफी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सर्च करके देखूं, और मेरे सामने आया ये क्यूट कॉम्पैक्ट सा सनग्लासेस ऑर्गेनाइजर, जो दिखने में सिर्फ कॉम्पैक्ट है पर बहुत ही स्पेशियस है। आउटर लेयर हाई क्वालिटी पीयू लेदर का है, कॉपर स्नैप क्लोजर है जो काफी फर्म एंड सेफ है, फ्लॉकिंग इनर लेयर है जिससे कि लेंस में स्क्रैच नहीं आएंगे जैसे कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे पांच स्लॉट्स है। वाव, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 स्लॉट सफिशिएंट है, पर इसमें 6 स्लॉट्स तक मिलता है, तो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। तो मैंने गुड बाय किया अपने बड़े केसेस को और अपने सनग्लासेस ग्लासेस इसमें रख दिए। इसमें ओवरसाइज ग्लासेस भी फिट हो जाते। देखिए कितना नीटली ऑर्गेनाइज हो गया। अब हमें इसे फोल्ड कर दिया और ये बन गया एक बॉक्स। हैंड स्ट्रैप भी दिया गया है ताकि हम इसे इजीली कैरी कर सके एंड हैंग भी कर सके अपने क्लोजेट में, शेल्फ में। ऑर्गेनाइजर लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, स्पेस सेवर है, डस्ट प्रूफ है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है 4-in-1 फोल्डेबल हैंगिंग कॉस्मेटिक बैग फॉर वुमेन ट्रैवल के लिए। पर्पल इन कलर है, पॉलिस्टर मटेरियल है, वाटर रेजिस्टेंट है, एडजस्टेबल इलास्टिक बकल है, ड्रॉ स्ट्रिंग क्लोजर है। फोर डिटैचेबल पाउचेस है विद रस्ट रेजिस्टेंट जिपर्स। टू डिफरेंट साइजेस में है पाउच, टू बिग एंड टू स्मॉल। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें मेकअप आइटम्स, टॉयलेटरी आइटम्स, हेयर ब्रशेस, ज्वेलरी, मेडिसिन रख सकते हैं। वेलक्रो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ट्रांसपेरेंट पाउच है तो हम देख सकते हैं कि कौन से पाउच में कौन सी आइटम है। पाउचेस को फर्मली अटैच करेंगे हम, फिर फोल्ड करेंगे, स्ट्रैप लगाएंगे
एंड हमारा बैग रेडी। आप देख सकते हैं कि इतने से बैग में कितने सारे आइटम्स आ गए। स्ट्रैप की मदद से आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। बैग डिफरेंट कलर्स में आता है तो आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने लास्ट एंड अमेजिंग प्रोडक्ट की तरफ, जो है कॉम्बो ऑफ 4-in-1 ट्रैवल डिस्पेंसर बॉटल एंड 2 कैप्सूल शेप टूथब्रश होल्डर। पहले हम टूथब्रश होल्डर की बात करते हैं। यह है स्लिम एंड स्लीक डिज़ाइन में, हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना है तो इसे हम इजीली क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजर बॉटल में मैंने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स डाले हैं, जो आराम से फिट हो गए हैं। मैन इसमें अपने शेविंग के आइटम्स भी डाल सकते हैं। दोनों ही बॉटल्स में होल दिया गया है, उसमें आपको थ्रेड लगाना है ताकि इसे हैंग भी कर सके। इस बॉटल में मैंने टूथब्रश टूथपेस्ट रखा है। मैंने ना पहले थोड़ा बिग साइज ब्रश डाला था पर वो इसमें फिट नहीं हो रहा था, तो आप भी ये लेने के बाद ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपका ब्रश या टूथपेस्ट फिट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए, आराम से इसे हैंग भी कर सकते हैं बाथरूम में। बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा आइटम है क्योंकि वो अपने स्टेशनरी इसमें आराम से डाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 4-in-1 ट्रैवल डिस्पेंसर बॉटल। ड्यूरेबल है, पोर्टेबल है, लीक प्रूफ है। ये है डिस्पेंसर नोजल, ट्विस्ट करके ओपन करना है बॉटल। एंड ओपन करने के बाद उसके अंदर है 4 ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, जिसमें आउटर पार्ट में मेजरमेंट्स दिया गया है। मैक्सिमम कैपेसिटी है 30 ml। मैक्सिमम 30 ml है तो ये एयरलाइन लिक्विड रेस्ट्रिक्शंस को भी कंप्लाई करता है, जैसे कि हम कैरी ऑन बैगेज में इसे आराम से लेके जा सकते हैं। और लीक प्रूफ है तो हमें लीकेज होने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश, लोशन, कंडीशनर, अपनी चॉइस से जो आपको ठीक लगे उससे रिफिल कर सकते हैं बॉटल। सबसे पहले हम क्लेंजिंग लोशन डाल रहे हैं। ये बॉटल्स में लिक्विड ट्रांसफ़र करना भी बहुत आसान है, ज़रा भी नीचे नहीं गिरता। एंड ट्रांसपेरेंट होने के कारण हमें पता भी चलता है कि कितना लिक्विड बचा हुआ है। ये मेजरमेंट्स भी मेंशनड हैं। के रुकिए, सरप्राइज तो अभी बाकी है। आइसिंग ऑन द केक है ये लेबल स्टिकर्स, जिसमें एसेंशियल आइटम्स मेंशनड है, तो अकॉर्डिंगली आपने जो रिफिल किया है वो लेबल निकाल के लगा सकते हैं। लेबलिंग विंडो दी गई है बॉटल में, जहां हमें ये लेबल स्टिक करना है। ये एक बॉटल तो रेडी हो गई। ऐसी हमने रिमेनिंग 3 बॉटल्स रिफिल की शैम्पू से, कंडीशनर से, बॉडी लोशन से। अभी हम चारों बॉटल्स को डिस्पेंसर में रख देंगे 1 by 1 ऐसे स्लाइड करके। एंड लिड
लगा देंगे। ओके, अब ये ट्रांसपेरेंट विंडो से हमें पता चल रहा है कि कौन सी बॉटल में हमने क्या रिफिल किया है और कितनी कैपेसिटी बची हुई है। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हमें लिड को रोटेट करना है और जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसके लिए हमें डिस्पेंसर बटन को प्रेस डाउन करना है। और देखिए डिजायर्ड क्वांटिटी आपके हाथ में। मैं बता दूं कि इन बॉटल्स को हम इजीली क्लीन कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं एंड फिर से रीयूज कर सकते हैं। है ना कमाल का प्रोडक्ट। ओके, क्वांटिटी लेने के बाद फिर से लिड को रोटेट कर दीजिए। कितना इजी है ना यूज करने में। आज की वीडियो में मैंने जो भी यूनिक आइटम्स दिखाई मैं रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट एक आइटम जरूर लेके देखिएगा, क्योंकि इन सब के कॉमन फीचर्स है। ट्रैवल फ्रेंडली है, लाइट वेट है, पोर्टेबल है, ड्यूरेबल है, कॉम्पैक्ट है येट स्पेशियस है एंड 500 के अंदर है सब आइटम्स, तो बजट फ्रेंडली है एंड सब आइटम्स गुड क्वालिटी के हैं। प्रोडक्ट लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और स्क्रीन पे जो दो वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं वो भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय।